हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशन करियर एंड कंपिटेटिव एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल तेजस ठक्कर को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद आपको ये बेल जो आइकन है इस पर प्रेस करना है। कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग में एरिथमेटिक एक्सेप्शन किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सेप्शन जो है इसका मतलब अपवाद होता है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन कहा जाता है। ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमेंट लाइन डिफाइन कर रहा हूँ विद द यूज ऑफ स्लैश स्टार एरिथमेटिक एक्सेप्शन। स्टार स्लैश के साथ इस कमेंट को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देन पब्लिक क्लास और क्लास नेम में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ एक्सेप्शन। देन कर्ली ब्रैकेट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्क्स राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, देन एंटर, देन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। नंबर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं 5 डिफाइन कर रहा हूँ और नंबर टू जो है यहाँ पर मैं 0 डिफाइन कर रहा हूँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 0, सो एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो डिफाइन होगा। अब यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन आंसर इज डबल कोटेशन कंप्लीट, देन प्लस कॉन्केट कर रहा हूँ नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू, देन राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, देन सेमी कॉलन, देन एंटर। अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ और मेन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पर जो होगा वो कंपाइल तो हो जाएगा पर उसका आउटपुट जो है आंसर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और वहाँ पर आपको एरर डिस्प्ले होगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि आपने जो नंबर जो है उसको 0 से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 इज इक्वल टू 0 है। आइए इसे स्टोर करते हैं इस फाइल को। फाइल देन सेव शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस एक्सेप्शन डॉट जावा देन सेव नाउ टूल्स देन कंपाइल शॉर्टकट कीज कंट्रोल F7। आप देख सकते हैं प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं टूल्स देन गो शॉर्टकट कीज F5। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन डिफाइन हो रहा है, ओके, यानी कि ये अपवाद है और रीजन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस तरह से आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, ओके। और रीजन जो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि डिवाइडेशन बाय 0, 0 से आपने डिवाइड किया इसलिए ये एक्सेप्शन आपको डिफाइन हो रहा है। ये जो प्रोग्राम है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डिफाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।